नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका ऑफिशियल सनी द यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई अनबॉक्सिंग जिसकी हमने आज तक आपके सामने अनबॉक्सिंग नहीं की। जिस कंपनी का नाम हम आपके रखने जा रहे हैं वो है सैमसंग। बिल्कुल दोस्तों, हम सैमसंग A7 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, फुली अनबॉक्सिंग, और साथ में आपको बताएंगे कि कंपनी ने इस मॉडल में क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं और कंपनी ने अपने कस्टमर को दोबारा फिर अपने जोड़ने के लिए साथ में क्या क्या फीचर इसके अंदर नए दिए हैं जो कि अदर कंपनियों में काफ़ी समय से आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सैमसंग A7 की अनबॉक्सिंग, फुल फीचर डिटेल ओनली ऑन ऑफिशियल सनी द यूट्यूब चैनल पर। A7 का बॉक्स आपके सामने आ गया है, जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और बताते हैं कि इसके ऊपर कंपनी ने क्या क्या मेंशन किया गया है और क्या क्या फीचर, क्या क्या और एडिशनल इसके अंदर डाले गए हैं। बिल्कुल आपके सामने अभी दिखाएंगे ये A7 का बॉक्स, अभी आपके सामने अनबॉक्स होने जा रहा। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A7 का बॉक्स आपके सामने है और इस पर फर्स्ट डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, ट्रिपल कैमरा का साइन दिया गया है और बिल्कुल इन्होंने मेंशन किया है A7 ट्रिपल कैमरा। ये कहने का मतलब कि है सैमसंग का डिवाइस ट्रिपल कैमरा के साथ आया है, क्योंकि कंपनी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि सभी कंपनियां ड्यूल कैमरा बैक साइड में देने में लगी हुई हैं, तो सैमसंग कुछ आगे की सोच कर उन्होंने ट्रिपल कैमरा A7 हैंडसेट के अंदर डाला है। और अब चेक करते हैं कि इसके बैक साइड में कंपनी ने क्या क्या बताया है। इसमें बताया गया है कि यह मॉडल जो है गैलेक्सी A7 64GB है और ट्रिपल इंटेल iCam का इसे फीचर दिया गया है जो कि बहुत ही फायदेमंद है। इसकी जो डिस्प्ले है उसे इन्फिनिटी का नाम दिया गया है। और दोस्तों, इसमें दिया गया है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी कहने का मतलब कि जो फिंगरप्रिंट का सेंसर है वो बिल्कुल साइड में दिया गया है। इसका जो 15.6 cm रिस्ट एंगल है और इसकी जो डिस्प्ले कॉर्नर है वो 15.8 cm है। फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले में इसका यूज किया गया है। 24 MP अप टू 1.8 UM 5+5+8, कहने का मतलब जो ट्रिपल कैमरा दिया गया है वो वाइड एंगल ट्रिपल रियर कैमरा दिए गए हैं। फर्स्ट कैमरा 24 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 5 MP दिया गया है, थर्ड कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूट करने वाला या फोटो को पिक करने वाला दिया गया है। और हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि यह ट्रिपल कैमरा आपको कैसे यूज में लेना है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 24 MP दिया गया, कहने का मतलब फ्रंट और बैक 24 MP कंपनी ने दिए हैं, क्योंकि कंपनी भी अब सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन के अंदर काम कर रही है। इसके अंदर जो रैम है वो 4GB DDR4 दी गई है, इंटरनल मेमोरी 64GB दिया गया है। जो प्रोसेसर में यूज किया गया 2.2 GHz 1.6 GHz दो प्रोसेसर लगाए गए हैं जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और सैमसंग एक्सियन के नाम से यह प्रोसेसर आते हैं। वैसे इस बॉक्स के ऊपर प्राइस जो मेंशन किया गया है वो किया गया है 25,600 rupees। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि ये दिखने में कैसा है। वाओ, काफी अच्छा लुक, बहुत ही शानदार, इसका डिस्प्ले बहुत ही सुंदर है, एकदम बिल्कुल नॉच से भी अच्छा डिस्प्ले इस कंपनी ने दिया है। और देखने में देखिए इसका जो फिंगरप्रिंट है वो बिल्कुल साइड में दिया गया है। और इसको पहले देखने से पहले हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर कंपनी ने हमें क्या क्या और आइटम्स दी है साथ में। करते हैं ओपन, देखते हैं क्या है। पहले दिया गया इसके अंदर यूजर मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड, और उसके बाद सिम इजेक्टिव टूल, और एक दी गई है 2.0 माइक्रो यूएसबी केबल, ईयरफोन जो काफी अच्छे हैं, और दिया गया है चार्जर। चार्जर जो दिया गया है वो 5 आउटपुट 5.0 वोल्टेज और 1.55 एम्पीयर का दिया गया है जो काफी कम है। यह चार्जर कोई फास्ट चार्जर नहीं है, यानी कि 24,000 rupees लगाने के बाद भी चार्जिंग आपको जो मिलेगी वो एकदम नॉर्मल चार्जिंग मिलेगी, इसमें फास्ट चार्जिंग का यूज नहीं किया गया है। तो चलो, ये तो हो गया आपका एक्सेसरीज का डिटेल्स, और हम देखते हैं कि मोबाइल में जो फीचर डाले गए हैं उनके अंदर हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो उनको हम करते हैं ओपन और देखते हैं। बिल्कुल कंपनी ने बहुत ही सुंदर लुक दिया है, बैक साइड से फ्रंट एकदम ग्लास जो बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है। फ्रंट पर फ्लैश दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा है। 24 MP फ्रंट दिया गया है और बिल्कुल बहुत सुंदर स्लिम स्लीक सेट बनाया है, जो इसको देखने के बाद लगता है कि कंपनी अब अपने मॉडल्स में कुछ अच्छा लाने वाली है। और ऑन करके देखते हैं कि यह डिस्प्ले कैसा है दिखने में। बिल्कुल सैमसंग
गैलेक्सी A7 सिक्योर्ड बाय नॉक्स पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए इसका डिस्प्ले दिखने में बहुत ही अच्छा है, फुल डिस्प्ले है। इसको करते हैं अनलॉक, इसके अंदर जो वर्जन है वो चेक करते हैं कौन सा दिया गया है सॉफ्टवेयर का वर्जन। तो चलते हैं अबाउट के अंदर, A7 2018 यानी कि 2018 A750 सीरियल नंबर आप देख ही रहे हैं। और तो चेक करते हैं हम इसके अंदर कौन सा वर्जन यूज किया गया है एंड्रॉइड का। इसमें 8.0 दिया गया है, अभी तक इसमें पाई नहीं यूज किया गया है क्योंकि कंपनी सैमसंग एक्सपीरियन वर्जन 9.0 खुद का यूज कर रही है। और इसके अंदर नॉक्स का वर्जन 3.1 दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर कैमरा क्वालिटी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है, सेल्फी इसका कैसा आता है। फीचर काफ़ी अच्छे हैं, सुंदर है। और अब देखते हैं कि इसका सेल्फी कैमरा जो है दिखने में कैसा है, 44 मेगापिक्सल है या नहीं। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका फ्रंट बैक कैमरे की क्वालिटी जो है अभी चेक करते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें दी है। बिल्कुल जूम करने पर बिल्कुल भी फोटो कहीं पर भी फट नहीं रही है, कहने का मतलब फोटो बहुत बढ़िया कैप्चर हो रही है। कई फोटोज इसी फोन से ली गई हैं जो इसी वीडियो में हम ऐड करेंगे, वो आप चेक कीजिएगा कि फोटो दिखने में कैसी है। बहुत ही अच्छी फोटो है। ये साइड में इसका जो फिंगरप्रिंट दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा है, 0.2 सेकंड की स्पीड से ये वर्क करता है। बिल्कुल स्लिम फोन बनाया गया है, मिला के फ़ोन ठीक है, लेकिन कुछ फीचर की कमी है जैसे फास्ट चार्जिंग की अभी कमी है इसके अंदर, और बाकी सब ठीक है। हम ये सजेस्ट करेंगे कि फ़ोन लेने में काफ़ी अच्छा है। और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थी A7 2018 की फुल अनबॉक्सिंग प्लस फुल फीचर डिटेल। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और हम अपने चैनल पर दिन ब दिन लाइव पे लाइव लेके आ रहे हैं, यह अनबॉक्सिंग भी आपके सामने बिल्कुल लाइव की जाएगी और आने वाली अनबॉक्सिंग भी आपको लाइव दिखाई जाएगी। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल सनी द YouTube चैनल पर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों की दीपावली का त्यौहार आ रहा है, तो आपको उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको दीपावली की। थैंक यू।